नमस्कार, एक बार फिर से नई रेसिपी के साथ फ्रेंड्स किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बच्चों और बड़ों की पहली पसंद होती है। तो आइए शुरू करें रेसिपी बनाना। बर्गर बनाने के लिए मैंने दो बड़े साइज़ के बर्गर लिए हैं उसके लिए, और एक छोटी ककड़ी को मैंने साफ करके कट करके रखा हुआ है स्लाइस बनाकर। तीन छोटे साइज़ के मैंने टमाटर को छोटी छोटी स्लाइस से कट कर रखा हुआ है। दो छोटे साइज़ के मैंने प्याज को भी कट करके रखा है, और हरे धनिया की चटनी है और टमाटर का सॉस है। इसे ये तो हमारा बन बनने के लिए है, और इसके लिए हमें आलू की टिक्की भी बनानी होगी, उसका भी सामान मैं आपको बता देती हूँ। आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए मुझे तीन मैंने बड़े आलू लिए हैं, जो कि उबाल कर मेश कर कर रखे हुए हैं। चार ब्रेड को मैंने मिक्सी में डालकर मिक्स कर लिया है, ताकि ये हल्का सा ब्रेड क्रम्स बन गए हैं, इसे हम टिक्की बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और मसाले, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया और तीन हरी मिर्च बारीक काट कर रखी हुई है, और एक मध्यम साइज़ का मैंने प्याज बारीक काट कर रखा हुआ है। इससे हम आलू की टिक्की बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये उबले आलू बाउल में निकाल लेती हूँ। कटी हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च, दो चम्मच ब्रेड क्रम्स डालूंगी, एक तिहाई चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि मैंने इसमें तीन हरी मिर्च डाली है इसलिए मिर्च कम ही रखेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला, एक तिहाई चम्मच गरम मसाला, और आधा चम्मच में नमक डाल रही हूँ। नमक अपन टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मसालों को इसको मिक्स कर लेंगे। ये मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। प्याज एडिशनल है, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो उसे इस्तेमाल ना करें। इसमें पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम हाथ की सहायता से इसकी टिक्की बनाते हैं। इसे हम थोड़ा सा दबाते हुए बना लेंगे। और इसे ये ब्रेड क्रम्स में आगे पीछे से पूरी उसको लगा लेते हैं, लेयर बना लेते हैं इसकी। देखिए, ये हमारी टिक्की बनकर तैयार है। इसे हम रख लेते हैं। ये हमारी इस तरह से पूरी तैयार है। अब हम इसे घी से तवे पर अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवा हमने गर्म होने रख दिया है। इसमें मैं घी डालती हूँ। और टिक्की रख दूंगी। इसे हम दबा दबा कर आगे पीछे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे।
देखिए हमारी ये टिक्की कितनी बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम बन को बीच में से दो भाग में काट लेंगे। ये हमने काट लिया है। अब हम तवे पर थोड़ा घी रखकर इसे सेक लेते हैं। हम इसे इस साइड से उल्टा कर देंगे। इसे हमें ज़्यादा देर नहीं सेकना है, 2-3 मिनट के लिए लो गैस पर थोड़ा सा घी लगाकर सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा बर्गर वाला बन कितना अच्छा भूनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट को रख लेते हैं, उस पर अच्छे से सॉस लगाएंगे। ये मैंने टमाटर का सॉस लिया है। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आलू की टिक्की रख रही हूँ। उसके बाद में ककड़ी, मैं हल्की सी काली मिर्च डालूंगी। काली मिर्च से ककड़ी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है और बर्गर में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हाथ से थोड़ा सा हमने इसको बड़बड़ा दिया है। टमाटर, चाट मसाला डालूं, प्याज की स्लाइस, इस पे थोड़ा सा सॉस लगा देती हूँ। ऊपर वाले पार्ट पे मैं हरी धनिया की चटनी लगाऊंगी। ऐसे इसके ऊपर रख देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना टेस्टी बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार है। ये हमने सिर्फ घरेलू चीज़ों से ही मिलकर बनाया है। इसके लिए स्पेशल बाजार से हमें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं हुई सिवाय बर्गर बन के। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसे आप नाश्ते में एंजॉय कीजिए, कोई मेहमान आए तब भी आप जल्दी से बना सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।